अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोले जा सकते हैं। आगे का रब मंजूर, तो बिना वक्त ज़ाई के शुरू करेंगे कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 136। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। प्रणाली अध्या बेहद खुश थी। इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं थी और इनकी खुशी सबको नज़र आ रहे थे। सब भी बेहद खुश थे, खुशी का माहौल थे। और जैसे जैसे मंत्र जाप आगे बढ़ रहे थे, प्रणाली की दिल ऐसे मानो कि थम सी जाती है। उसकी खुशी अब उसकी आँखों से झलक रहे थे, उसकी आँखें आंसू से भर जाते हैं। अध्या के भी आँखों में आंसू आ जाते। केवल प्रणाली अध्या ही नहीं, वहाँ पे मौजूद समीक्षा, पल्लवी, सिमी और कुहू, मानसी, ये सब के आँखों में आंसू थे। आखिर इन दोनों ने कोई ऐसे कैसे हालात से गुजरते हुए एक दोनों खुद की प्यार को मुकम्मल करी है, वो सबके सामने थे नज़ारा। सारी चीज़ों को याद करके सब रो रहे थे, खास करके प्रणाली की मोम की आंखों से अब आंसू गिर रहे थे। अध्याय की मोम जाती है उनके शोल्डर पे, एकदम से सहलाती है और बोलती कि बहन जी क्यों रो रही हो? फिक्र मत कीजिए, आपकी अमानत हमारी घर में सेफ रहेगी। तभी प्रणाली की मोम अपने आंसू को पोंछते हुए बोलती कि इसके बारे में बोलने की ज़रूरत है ही नहीं बहन जी, मुझे पता है अध्याय का, अब तक तो मुझे समझ आ ही गई है, मुझे अध्याय पे पूरा भरोसा है। शायद हम भी उतना खुश नहीं रख पाते प्रणाली को जितने अध्याय ने रखी है, वही बहुत काफ़ी है मेरे लिए। माहौल थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है हवा की। और पंडित जी वगैरह अपनी अपनी मंत्र जाप कर रहे थे पूरे रिचुअल्स के हिसाब से अनुसार। और एकदम से वो मोमेंट भी आती है जैसे कि कन्यादान, बुलाए जाते हैं तो प्रणाली की पिताजी आते हैं, संग अध्या के पापा भी आते हैं। अब ये होती है कि दोनों तो लड़कियां हैं, कौन किसको दान करेंगे? अध्या के पापा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, एक काम करिए भाई जी, आप अपने बेटी हमें सौंप दीजिए, मैं मेरी बेटी को आपको सौंप देता हूँ, हिसाब बराबर दोनों दोनों का हुआ। वहाँ पे गुरुजी स्माइल पास करते हुए वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे से वो कन्यादान की वो जो रस्म जो रिचुअल्स होते हैं वो प्रॉपर करते हैं। ये सीन देख के अध्या बेहद खुश होती है। खुशी की तौर पे उसकी एक आंसू सरकते उसकी गाल से बस नीचे गिरने वाली थी कि प्रणाली पकड़ लेता, बोलती कि क्या हुआ, क्या मुझसे शादी करके तुम खुश नहीं हो रही हो? अध्या बोलती कि नहीं, माहौल ऐसा है ना कि थोड़ी सी, बोलती कि देखो रोने का हक नहीं है तुम्हें, तुम रोती हो तो मेरा दिल रोती है, चाहे हालात या सिचुएशन जैसी भी हो। अध्या अध्या होती है अच्छा तो नहीं रोती वो अपनी जो है एक हाथ से, अब एक हाथ तो उसके ऑलरेडी वो कन्यादान के लिए वहाँ पे थे, तो दूसरी हाथ से अपने आंसू को पोंछने लगी कि तभी प्रणाली अपनी दूसरी हाथ से वो अध्या की आंसू को पोंछ लेती है और बोलती है कि इन्हें यहीं पे रोक दो, आइंदा से मेरे सामने ये कभी ना आए। अध्या बोलती कि तो आप भी अपने आंसू को बोल दीजिए। अध्या भी अपनी दूसरे हाथ से प्रणाली की आंखों से वो आंसू पोंछते, सब बेहद खुश थे। कन्यादान होती है प्रॉपर, फिर बोलते हैं फेरे लो, तो वहाँ पे जो पंडित जी वो मंत्र जाप के साथ साथ जो सात फेरे की जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो बताती है। हर एक फेरे की फेरे जो होते हैं वचन जो होते हैं सात वचन, वो सारे प्रॉपर बताते हो और सारे सुनते हुए वो रिपीट करते हुए एक एक करके फेरा वो सात फेरा ले लेती है। बाद में जो है मंगलसूत्र दिए जाते हैं, मंगलसूत्र भी अध्या की मॉम लाई थी और भी हाथ खूबसूरत थी, वो अध्या की हाथ में देती है। अध्या बड़ी प्यार से वो पहना देती है, तो प्रणाली की ओर से भी अध्या के लिए एक मंगलसूत्र लाए गए थे तो वो भी प्रणाली पहना देते। सब बहुत खुश थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे। जो बच्चे थे प्रणाली के जो पहले हुए करते थे वो क्लास मतलब आर्ट सिखाती थी, वो बच्चे नाच रहे थे खुशी से। दूसरी ओर अब सिंदूर की बारी आती है। जैसे ही सिंदूर की बारी वगैरह आते, क्योंकि वरमाला वगैरह ये सब पहले ही हो चुके थे, माला वगैरह ये लोग पहले ही पहना देते, हाँ कि इनमें से कोई भी मजाक मस्ती नहीं करते कोई भी, क्योंकि वो मोमेंट ही थोड़ी सी भावुकता से जुड़े हुए थे।
सबके आँखों में आंसू थे, क्यों कोई मस्ती वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही सिंदूर की वक्त आती है देने की, तभी प्रणाली को वो ड्रीम की याद आ जाती है और वो घूर के अध्याय को देखते हुए बोलती है, अध्याय सच बोल रही हूँ, सचमुच के अगर मस्ती सूझी ना तुम्हें इस बार। तभी अध्याय बोलती कि वैसे सपने को सच का रूप दिया जाए तो कैसा होगी। प्रणाली बोलती मारूंगी मैं सबके सामने, सोच लो नींद खराब करी, सपना भी खराब करी, हकीकत में अगर तुम ऐसा करोगी ना तो सोच लो तुम्हें रात मेरे साथ ही गुजारनी है और आज की रात भी याद कर लो तुम अध्याय। तभी अध्याय बोलती कि ये क्या धमकाने की बात पे आ गई आप, मतलब इस चीज़ से उस चीज़ का क्या ताल्लुक है। तभी प्रणाली बोलती ताल्लुक ही ताल्लुक है अध्याय, ताल्लुक ही ताल्लुक है, सोच लो तुम यहाँ पे थोड़ी सी भी मस्ती करी ना तो इसका असर रात को होगी। अब अध्याय की बोलती बन उसकी फेस एक्सप्रेशन से जो सिमी वो समझ जाती है। सिमी बोलती है देख सस्ते में ना निपट जा चीज़ों को, वरना भारी तुझे ही पड़ने वाली है। अरे दे देना, क्या मस्ती सूझी है तुझे, पहना सिंदूर। अरे यार मैं तो सोची थी। तभी एकदम से प्रणय बोलती कि अध्याय देखो मेरी बहन को पहले से ही तुमने बहुत परेशान करके रखा है, क्या सोच रही हो, मस्ती सोच रही है क्या। समीक्षा बोलती है कहीं तुम सपने को साकार करने मतलब हकीकत में बदलने की नहीं तो सोच रही हो ना। तभी प्रणाली बोलती कि सोच के तो देखे हो, इसका असर भी उसे पता है। तभी अध्याय बोलती कि यार एक एक करके सब धमकाने पे आ गए हो, मतलब मुझ पे कोई रहम करो यार, मैं कर रही हूँ। तो ये बोलते वो खड़ी होती है। समीक्षा जो माथे के वहाँ पे कुछ पहनी थी प्रणाली, वो थोड़ी सी साइड करती है तो एक गोल्ड की कॉइन होती है जो प्रणाली की ओर से वो सारे इंतज़ाम किए गए थे। उस कॉइन में वो सिंदूर लेती है और वो प्रणाली की ओर से देती है। जैसी वो सिंदूर भरती है ना, प्रणाली अपनी आंखें बंद करती है और सचमुच के एक आंसू उसके गाल तक आ ही जाती है। अध्याय बोलती कि लो कर लो बात, अभी तो बात हुई थी कि रोना नहीं है। तभी प्रणाली बोलती खुशी क्या आंसू है पागल, बैठ जाओ। तभी अध्याय बोलती अरे मुझे भी तो सिंदूर पहनाओगे आप। प्रणाली बोलती है अब मेरा मन नहीं है, तुमने पहना दी ना, नाउ आई एम योर वाइफ। तभी अध्याय बोलती ये क्या बात हुई, अरे भाभी देखो, अरे ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही कर रही है। तभी समीक्षा बोलती कि देखो भाई हमारी लड़की को सिंदूर पहना दी गई है, अब हमें क्या मतलब, अब तुम जानो। तभी अध्याय अपनी दी की ओर देखती है, बोलती कि कुहू दी कुहू एकदम से बोलती कि मैं तो हमेशा से प्रणाली की साइड हूँ, तू है कौन। अध्याय बोलती कि ये क्या बात हुई, मतलब मैंने पहना दी तो मुझे भी पहनाओ ना। तभी प्रणाली हंसती है, उसकी जो हंसी थी ना वो सबको खुशी का एहसास दिला रही थी। सबसे ज़्यादा खुशी आज शायद प्रणाली को ही हो रही थी। और वो बोलती कि चुपचाप बैठो, बोलती कि लेकिन वो सिंदूर। तभी पंडित जी बोलती कि आप ही सिंदूर लगा दीजिए। तभी प्रणाली बोलती कि मैं अपनी ओर से दूंगी। सब बोलती कि अपनी ओर से मतलब तुम्हारी कौन सी तरीका है देने की, बोलती कि अभी बताते हैं। वो क्या करती है, अध्याय को फेस को पकड़ती है अपनी, क्योंकि अध्याय ने बहुत ज़्यादा सिंदूर वगैरह लगा दी थी, फॉरहेड तक आ चुकी थी, तो वही से वो उसकी फॉरहेड से अध्याय की फॉरहेड तक छूती है। तब तक अध्याय की माथे से वो पगड़ी वो हटा चुके थे और दुपट्टा डाल दिए गए थे। तो वो अपनी ही मांग से अध्याय की मांग भरती है। सब वहाँ पे इतने खुश थे कि तालियां बजाते और बोलती लो ये नायाब शादी पहली बार देखा है। सब बहुत खुश थे और भर भर के दूर से ही आशीर्वाद वगैरह दे रहे थे। जैसी ही सब जो सिंदूर प्रॉपर दिए हो जाते हैं तो पंडित जी बोलती कि चलो आप शादी संपन्न हुई, हवा आशीर्वाद दीजिए वरों से। सीधा अध्याय उठती है, प्रणाली उठती है, दोनों कस के हाथ पकड़ती है। दोनों को वैसे थी कि एक बार कस के गले लगा ले, सब लोग समझ रहे थे इन दोनों की भावनाओं को। तो एकदम से समीक्षा और दूसरी ओर से गुहू बोलती कि अल्लाह ना समझ आ रही है, कर लो हक कर लो, कब से बेसब्री से इसी पल का इंतज़ार करती, एक बार हक कर लो, कोई बात नहीं अब तुम्हें पूरा आज़ादी है। तो अध्याय क्या करती है, प्रणाली को कस के गले लगा लेती है। प्रणाली बोलती कि इतनी तड़प थी क्या, मतलब देखो कितने सारे लोग हैं। तभी अध्याय बोलती कि अब क्या इशू है, मतलब शादी तो हो गई ना प्रॉपर, अब क्या है। बोलती कि कुछ नहीं, तो प्रणाली भी उसे हक कर लेती है। उसके बाद ये लोग जाते हैं
पहले जो गुरुजी थे उनके पैर छूते, तो गुरुजी दोनों को आशीर्वाद देते हैं और फिर अध्याय जाती है प्रणाली की दादाजी के पास। वो पैर तो छूते हैं, प्रणाली की दादाजी जो थे वो सिर्फ प्रणाली की सर पे हाथ रखते हैं, अध्याय की सर पे हाथ नहीं रखते और वो वहाँ से चुप से चले जाते हैं। अध्याय को कोई उनसे वो थी नहीं कि चलो कोई बात नहीं, वो इसके लिए उन अध्याय के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो आ तो गए, कम से कम यही बड़ी बात है। फिर अध्याय प्रणाली की मम्मी पापा के पैर छूते हैं, फिर अध्याय की मम्मी पापा के, और जैसे ही बुआ जी के पास जाने लगते दोनों ही पैर छूते, तो एकदम से बुआ जी क्या करती है, प्रणाली के प्रॉपर आशीर्वाद देती है और अध्याय की पीठ में एकदम से मारती है। जैसे ही मारते अध्याय पीठ पकड़ के एकदम से सीधी होकर खड़ी हो जाती है, बोलती है बुआ जी ये क्या है, बोलती कि सुधर जाओ तुम, शादी है इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, आज के दिन कभी ना बोलूँगी, वो तो भला है तुम्हारी बीवी ने मुझे बुला लिया, वरना तभी अध्याय बोलती कि अब बस भी करो ना मार लिए। माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद इन लोगों को हवेली पे लिए जाते बेहद अच्छे से आरती वगैरह करके। हाँ घर प्रवेश नहीं होते क्योंकि ये अध्याय के घर नहीं थे, पर प्रॉपर इनका स्वागत किए जाते हैं घर में। और घर के जाने के बाद और जैसे होते हैं कुछ रिचुअल्स और भी होते हैं, वो भी होते हैं। प्रणय एक साइड पे खड़ा रह के वो रो रहा था, तो समीक्षा देखते हैं और रो जाते हो, देखिए आप क्यों रो रहे हो, ये यार पहली बार ना मेरी बहन की आंखों में वो खुशी, इसी दिन के लिए तो इंतज़ार कर रहा था मैं, अब जाके मेरी दिल को ठंडक मिला। वो देखिए क्या आप भी चलो, वो पकड़ते हुए प्रणय को अंदर लेके आते हैं। वहाँ पे बाकी और रिचुअल्स वगैरह होते हैं। अब जो धागा बांधे गए थे हाथ में सात गीट के साथ, अब उसको खोलनी होती है अभी एक हाथ से, अब वो रस्म होते हैं। अब मानसी समीक्षा ये प्रणाली की साइड पे आ जाती है, काव्या पल्लवी सिमी ये अध्याय के साइड पे आ जाते हैं, दोनों को चेयर अप करते हैं। समीक्षा बोलती है प्रणाली हार ना मत, तभी अध्याय बोलती कि क्या बात है भाभी, इस बार तो मेरे हिस्से में आ जाओ क्योंकि मेरी खुद के दी उनके हिस्से में चली गई है। तभी एकदम से गुरु बोलती कि मैं तो पहले से ही प्रणाली की साइड हूँ, तू अपना सोच ले। तो अध्याय क्या करती है, वो थोड़ी सी मायूसी हो जाती है, तो प्रणाली की मम्मी अध्याय की साइड पर खड़ी हो जाती है। वो देखिए कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। अध्याय बेहद खुश होती है, वो जोश जोश में वो गाँटे खुलने लगते हैं बड़ी आराम से एक हाथ से। प्रणाली देखती है कि ये कुछ ज़्यादा ही कर रही है, तो इधर उधर देखने लगती है। वो एक नज़र अध्याय की मॉम की ओर देखती है, वो सोचती है कि आएगी कि नहीं आएगी, फिर वो नज़र हटा लेती है। हालांकि अध्याय की मॉम ये समझ चुकी थी और वो एकदम से आके प्रणाली की साइड पे खड़ी हो जाती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती कि मैं तो इसकी साइड हूँ। अध्याय भी शॉक्ड होती कि हाँ उसकी मॉम, प्रणाली बेहद खुश होती है और वो हक करने जाएगी, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ कर रही थी तो कर नहीं सकती थी। तो अध्याय की माम झुक के ही उसे साइड से हक करती है, बोलती कि तुम करो अपना कोई बात नहीं। प्रणाली बहुत खुश थी, तो अध्याय देखती है कि प्रणाली बहुत खुश है और स्माइल कर रही है, तो अध्याय क्या करती है कार्ड खोलना बंद कर देती। तभी एकदम से सिमी उसके माथे पर टपरी मारते हैं, बोलती कि जानबूझ के हारने का क्या मतलब है, कार्ड खोल। बोलती कि अरे उनकी खुशी तो देखो, उनकी खुशी के आगे मेरा हारना भी, मुझे कोई गम नहीं है। वो थी वाह, तो खेलने का मतलब ही क्या है, सीधे सीधे बोलना कि आप जीत गई, ये क्या तरीका होती है। तभी काव्या बोलती है पर अध्याय कोशिश तो करो। वो थी नहीं करना ना, मुझे उनकी ये चेहरे पे जो मुस्कान है इसको बरकरार रखना है, इसके लिए मुझे 100 बार भी हारना पड़े ना तो मंजूर है, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे प्रणाली वो गाँटे खोल लेती है, तो जैसे खोलती है वो अध्याय की ओर देखती है क्योंकि अध्याय ने दो ही खोले थे। तभी वो बोलती है अरे तुमने खोले नहीं, नहीं क्योंकि मैं देख रही थी कि आप इतनी बेसब्री से वो गाँटे खोलने के लिए उत्सुक थे, तो मुझे बस आपकी स्माइल चाहिए थी, वहीं पे मेरी जीत हो गई। तभी एकदम से जो समीक्षा हो बलाया लेती है अध्याय की, बोलती है हाय अध्याय एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे तुम। फिर वही कुछ और रस्में वगैरह होते हैं, इनमें एक अंगूठी की भी होती है और वहाँ पे भी अध्याय प्रहारी जाती है खुद जानबूझ के। सबको पता थी कि अध्याय जीत चुकी थी लेकिन वो हार के भी जीती है, या फिर ये बोले कि जीत के हारी है।
प्रणाली बेहद खुश थी और उस खुशी के आगे अध्याय को कुछ दिखाई ही नहीं दे रही थी। देखते देखते बहुत रात हो गए थे और इन दोनों का मुहूर्त भी लगभग रात के 10 से बाद हुई थे। तो देखते देखते बेहद लगभग रात के 2 बज गए थे। खाना वगैरह तो सब प्रॉपर खा चुके थे, तो जो रिलेटिव वगैरह थे सब उस हिसाब से थक के मारे कुछ खाना खाने के बाद सो गए थे। अब कुछ मस्ती ना हो ऐसे थोड़ी ना हो सकते हैं। सिम्मी क्या करती है, प्रणाली की जूते चुरा लेती है, सैंडल जो होती है, और मानसी अध्याय की। जैसे ही दोनों अब जहाँ पे ये लोग बैठ के वो सारे रस्म वगैरह करे थे वहाँ से उठ के जैसी कमरे की ओर जाएगी, जैसे उठते देखते ना तो प्रणाली की जूते है और ना ही अध्याय की, तो दोनों एक दूसरे की फेस देखते और बोलते ये क्या मजाक है, अरे जूते कहाँ गए। तब एकदम से सिम्मी प्रणाली के सामने खड़ी होती है, बोलती कि सॉरी दी, आई मीन भाभी क्या करे, देखिए कुछ तो हमारा भी खर्चा पानी आए ना, तो चुरा लिया। वैसे भी अध्याय की छोटी बहन तो है नहीं, तो मुझे समझ लो, तो उस नाते मेरी भी तो कुछ फ़ायदा होनी चाहिए ना, तो मैंने चुरा लिए तो पैसे दो जूते लो। लेकिन अध्याय तेरी जूता खाए, तभी मानसी भी आगे खड़ी हो जाती है और बोलती कि भाई तुम अकेले क्यों अपना फ़ायदा उठाओ, हम भी उठाए, कुछ भला हमारा भी हो। हाँ तो अध्याय तुम्हारी जूता मेरे पास है, कुछ पैसे दो जूते लो। तो इन दोनों की हरकतें देख के सब हंस पड़ते हैं। अध्याय घूर के मानसी की ओर देखती है और प्रणाली हंस रही थी, तो प्रणाली एकदम से वो दे देती है सिम्मी को पैसे। सिम्मी फटाक से जूते दे देती है, लेकिन अध्याय वो घूर के मानसी को देखता है, बोलती कि आपको शर्म नहीं आती। तभी एकदम से मानसी बोलती अरे किस बात की शर्म यार, अरे देखो प्रणाली को सीखो कुछ, उसने तो फटाक से दे दिया, अब तुम इतनी नखरे क्यों दिखा रही हो, दो पैसे यार। प्रणाली अपनी बंदी को बोल पैसे देने के लिए। तभी प्रणाली बोलती कि कोई बात नहीं मैं दे देती हूँ। तभी अध्याय बोलती कि नहीं आप क्यों दोगे, तो वो अध्याय क्या करती है कुहू की ओर देखती है, तो कुहू पैसे दे देती है क्योंकि वॉलेट वगैरह कुहू के पास थे, तो कुहू पैसे दे देती है। तो जो मानसी थी वो जूते ला कर दे देती है और बोलती कि तुम भी क्या याद रखोगे। तभी अध्याय बोलती कि ये अच्छे खासे मौका थे पैसे हड़पने की, बोलती और नहीं तो क्या, कुछ तो भला हमारा भी हो, खुद का भला सोचने में कोई बुराई थोड़ी है ना प्रणाली। प्रणाली हंसती है और फिर इन दोनों को लिए जाते हैं कमरे बीच जो प्रणाली के कमरे थे, और कमरा बेहद खूबसूरती से सजाए गए थे। इस कमरे में कमरे को सजाने में प्रणाली की जो भाभी थी समीक्षा, पल्लवी, काव्या और कुहू चारों लग जाते थे, लगभग 4 घंटे लग गए थे कमरे को सजाने में, बेहद खूबसूरत हुई थी। लेकिन जैसे ही एंटर करेंगे दोनों हाथ पकड़ते हुए, तभी कुहू आगे आ जाते हैं, बोलते कि देखो अब सिम्मी का हो गया, उधर मतलब मानसी का भी हो गई। समीक्षा भी एकदम से कुहू के साथ खड़ी हो जाती है और बोलती कि हाँ बस हम ही दो रह गए हैं, तो हमें भी कुछ दो। वैसे पीछे वाले जो दो शख्स है वो आएंगे नहीं, जो पल्लवी और काव्या थी वो खड़ी रहती है, वो ये दोनों हंस रहे थे, बोलती कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए कुछ। तभी अध्याय बोलती कि अरे आप दोनों भी दिए आप भी, बोलती कि क्या दिया अभी, तुम हो कौन, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तो प्रणाली जी अंदर जानी है, अंदर जाओगे तो कुछ ना कुछ तो देनी पड़ेगी ना, कुछ दे के जाओ। प्रणाली बोलती कि क्या आप दोनों भी, बोलती कि क्या दोनों भी। तभी एकदम से पल्लवी क्या करती है कुछ पैसे वो अध्याय के हाथ में पीछे से पकड़ा देती, क्योंकि अध्याय के पास वो पैसे रखी नहीं थी। तो अध्याय एकदम से देखती कि हाँ उसके हाथ में नोट आ चुकी थी, वो पीछे देखती है तो पल्लवी आँख मार देती है और बोलती है थोड़ी सी लो वॉइस में हाँ हाँ तुम भी क्या याद रखोगे, तो एकदम से दे देती है। तो एकदम से जो हुआ बोलती है तेरे पास पैसे कहाँ से आई, अध्याय बोलती कि हाँ खाओ ना गुटलियाँ क्यों गिन रही हो, मिल गई ना आप रास्ता हटो। तो बोलती कि वाह रे वाह राह नहीं जा रही है क्या, बोलती हाँ नहीं तो क्या, छोड़ो ना आप जाओ ना इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो एकदम से जो प्रणाली थी वहाँ से एकदम से अध्याय के हाथ पकड़ती और जो कुहू और समीक्षा थी वो भी हट जाती है। आप कबाब में हड्डी बनने की शौक तो किसी को नहीं थी। वहाँ से सिम्मी समीक्षा मानसी पल्लवी का ये लोग सारे वहाँ से चले जाते और नीचे बैठ के अरे जो अध्याय की मम्मी पापा प्रणाली की मम्मी पापा जो गुरुजी थे उनसे बात वगैरह कर रहे थे आपस में। गुरुजी एकदम से बोलते हैं कि कल सुबह होते ही इन दोनों को तुम्हारे जो प्रणाली की पिताजी की ओर देखते हुए तुम्हारे जो कुलदेव की मंदिर है वहाँ पे ले जानी पड़ेगी, याद है ना। तभी एकदम से प्रणाली की पिताजी बोलते हैं जी जी गुरुदेव याद है,
कि हाँ तो अब हम सोने जा रहे हैं। तो गुरुजी उनके लिए जो कमरा रेडी करे गए थे वो वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे अध्याय की मम्मी पापा भी उठते, वो लोग जाते, रेस्ट की ज़रूरत तो थी, तो सब लोग अब सो जाते हैं। अब आते हैं अध्याय और प्रणाली की ओर। दोनों जैसे ही कमरे में एंटर करते हैं, कमरे का हाल इतना खूबसूरत थी कि अध्याय बस देखती रहती और बोलती कि वाह बहुत खूबसूरत है। प्रणाली बोलती कि है ना, तभी बोलती कि अध्याय नहीं पर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आप हो। प्रणाली अध्याय की ओर देखे, बोलती कि अच्छा जी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत मैं हूँ, अगर यही लाइन में तुम पे दोहराऊँ तो। अध्याय बोलती कि ऐसा है क्या? बोलती कि और नहीं तो क्या, तुम भी कुछ कम नहीं लग रही हो। और ये जो तिलक है ना जो तुम्हारी माथे पे है, ये तुम्हारी इस चेहरे की चमक को चार चांद लगा रही है, बेहद खूबसूरत लग रही हो तुम। अध्याय बोलती कि अच्छा आप मेरी जैसी बात क्यों कर रही है, कॉपी कर रही हो आप? तभी प्रणाली बोलती कि नहीं तुम्हारी कोई भी कॉपी कोई भी नहीं कर सकते अध्याय, तुम एक वन एंड ओनली हो मेरी अध्याय। अध्याय बोलती कि अच्छा आज अच्छे से रंग चढ़ी है आप पे मेरी मोहब्बत की। तभी प्रणाली बोलती कि ये रंग तो बहुत पहले ही चढ़ चुकी थी अध्याय, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखी थी आर्ट करते हुए, तुम्हारी आँखों को देखी थी, कुछ तो थी तुम्हारी आँखों में अध्याय कि मैं खो गई थी, याद है ना वो पार्क? और तुम्हारा मुझे सुनाना, तुम कितना बोलती हो अध्याय? अध्याय बोलती कि हाँ नहीं तो क्या, तो तब पता थे ना आपको। खैर अध्याय आई रियली लव यू, ये बोलते हुए प्रणाली एकदम से अध्याय को हक करती है। हक करके थोड़ी देर पीछे होती है प्रणाली और एकदम से अध्याय बोलती कि ठीक है मैं थोड़ी वॉशरूम से आती हूँ। वो पहले वॉशरूम जाती है, थोड़ी सी फ्रेश हो जाती है और आती है। आके देखती है कि प्रणाली जो है वो एकदम से जो भारी ज्वेलर्स पे वो पहनी हुई थी ना, गले का नेकलेस वगैरह झुमके इतनी जो भारी थे वो सारे, तो वो धीरे धीरे ओपन कर रहे थे। तभी अध्याय जाती है उसको पीछे से एकदम से हक करते हैं, बोलती कि मेरे होते हुए ये सब आप करो, शोभा नहीं देते ना। प्रणाली बोलती है अच्छा तो ये सब आपको करनी है? बोलती कि हाँ करनी है, करूँ मैं? बोलती कि हाँ करो। तो अध्याय क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता जो नेकलेस वगैरह इतने ज़्यादा भारी जो चुभ रहे थे प्रणाली को, वो धीरे धीरे ओपन कर रहे थे। ओपन करते करते देखती है कि कुछ रैश आ गई थी प्रणाली की गले में, तो बोलती कि ये प्रणाली बोलती कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी भारी ज्वेलरी थी तो हो गई है, देखो तुम्हारे पे है नेक साइड पे। अध्याय बोलती कि अब क्या कर सकते हैं इसका, वो कुछ नहीं। तो अध्याय प्रूफ पर धीरे धीरे उसके सारे जो वो पहनी हुई थी नेकलेस वगैरह झुमके जो भी थे वो धीरे धीरे ओपन करती है। ओपन करते करते थोड़ी तो करीब थी, प्रणाली एकदम से अध्याय की फॉरहेड पे किस करती। अध्याय बोलती कि क्या कर रहे हो, करने दो ना, ये खोलने तो दो। तभी प्रणाली बोलती कि तू भूल गई हो क्या, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। अध्याय बोलती कि फर्स्ट नाइट नहीं, फर्स्ट नाइट कैसे हो सकती है, हम तो कितनी बार मतलब रोमांस। तभी प्रणाली बोलती अध्याय अध्याय मतलब शादी के बाद, प्रॉपर शादी तो आज हुई ना। अध्याय बोलती कि आपको नहीं लगता आप बेशरम सी हो गई हो? प्रणाली बोलती कि ये तुम्हारी असर है प्रॉपर, अब तुम बेशरम हो सकते हो तो कुछ तो असर मुझ पर होगी ना। अध्याय हंसती है और एकदम से वो प्रणाली की फॉरहेड पे किस करती है, बोलती कि कोई बात नहीं मुझे ये बेशरम बना भी पसंद है आपकी, तो मैं प्रॉपर कर लूँ। तभी प्रणाली बोलती कि ओके। तो अध्याय प्रॉपर उसकी सारी चीज़ उतार लेती है, वो सारी की जो वो पिन होती है जो शोल्डर के साइड पे वो भी ओपन करती है। जैसे ही ओपन करती है ना एकदम से उसकी पल्लू सरक जाती है, जैसे सरक जाती पूरी तरह से प्रणाली की उसका नेक साइड से लेकर वो चेस्ट साइड की जो शेप होते हैं ना वो देख के अध्याय बस देखती रहती है। प्रणाली देखती है कि ये तो कुछ हलचल कर ही नहीं रही, तो एकदम से वो आईने की ओर ही देखती है अध्याय की ओर। जैसे वो अध्याय की ओर देखती है अध्याय की लुक से ही वो थोड़ी सी शर्मा सी जाती होती कि क्या कर रही हो, ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कभी देखी नहीं। अध्याय बोलती कि वो मतलब वो क्या करूँ, मतलब ऐसी लग रही कि पहली बार देख रही हूँ और मेरी नज़र हट ही नहीं रही आपसे,
ऊपर वाले ने भी क्या खूब बनाया है आपको। जब वो बनाए थे तो बड़ी शिद्दत और ध्यान से बनाए थे शायद आपको। ये मेरी नज़र का रुख आपसे हटी नहीं रही है, आप ही तक आंखें सीमित हो जाती है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती, अच्छा ऐसी बात है। अध्याय बोलती कि हाँ ना। तभी एकदम से जो प्रणाली थी वो एकदम से उठती है और वो अध्याय को प्रॉपर हक करती है। और अध्याय के एक भी गले में कुछ भारी वो ज्वेलरी वगैरह थे तो वो भी प्रणाली मदद करती कि ये पहले ओपन कर दो वरना रैश आ जाएगी तुम्हें भी। तो वो ओपन कर लेते और दोनों जाके बेड पे बैठती। थोड़ी सी दोनों के बीच एक अलग सी सन्नाटा छा गई थी। ना प्रणाली कुछ बोल रहे थे ना अध्याय कुछ बोल रही थी। दोनों के दिल की धड़कने सेम रफ्तार से धड़क रहे थे। कमरा इतना सन्नाटा थी कि दोनों के दिल की धड़कने बहुत तेज़ी से सुनाई दे रहे थे एक दूसरे को। तभी प्रणाली अध्याय की ओर देखती है। अध्याय की फेस थोड़ी सी वो हो गई ना, उसे शर्म आ रही थी या कुछ। तो प्रणाली बोलती है, अरे क्या हो गई तुम्हें, क्या हुआ? अध्याय स्माइल करते हुए बोलती है, कुछ नहीं। तो तभी प्रणाली बोलती है, सच में कुछ नहीं है? तभी अध्याय बोलते कि कुछ बोलूँ आपको? प्रणाली बोलती है, हाँ बोल। तभी अध्याय बोलती कि आज समा कुछ बेताब सी है, आपसे मिलने की अर्ज़ कुछ बेपनाह सी है, नज़ाकत भी कुछ फना सी हो गई, तरसती आंखें आपकी निगाहों को तरसे हर पल, बेजान इस दिल को बस करार की चाहत थी, यही जो आप मिली, दिल को हमें सुकून मिली, हम बेशर्त आपके हुए। प्रणाली की फेस में बेहद खूबसूरत स्माइल आती है और बोलती है, अच्छा मेरे जवाब सुनो। अध्याय बोलती कि हाँ। तो क्यों ना आज की समा जो बेताब सी, उन्हें तेरी सांसों में घुल कर आराम दिए जाए, हमारी मिलने की बेताबी को ख़त्म किए जाए, तेरी सीने से लग कर खुद को तुझ में फना की जाए, तरसती निगाहों की प्यास तेरे लबों को छू कर बुझाए जाए, बेजान दिल पर प्यार की बारिशें की जाए, तेरे जिस्म से होकर तेरे रूह तक छू कर इस दिल को सुकून दी जाए, क्यों ना चाहत की बारिश में भीग कर मोहब्बत की बरसात आजमाइश की जाए। अध्याय एकदम से हंसती है तो प्रणाली एकदम से अध्याय को हक करती है। और जैसे ही प्रणाली हक करती है, अध्याय खुद को रोक ही नहीं पाती। वो थोड़ी सी अपनी फेस को ऊपर की ओर करती है, वो एकदम से प्रणाली को थोड़ी सी पुश करती है। दोनों बेड साइड पे ही थे बैठे हुए। जैसे ही पुश करती है, प्रणाली एकदम से बेड पे गिरती है। अध्याय को घूर के देखते हुए बोलती कि ये क्या थी अब? अध्याय बोलती कि आपका जवाब, जो आपने अभी मुझे जवाब दिया है उसका पलटवार। और ये बोलते हुए अध्याय एकदम से वो खुद के जो उसने भी साड़ी पहनी थी, साड़ी के जो पिन थे वो एकदम से ओपन करते ही उसकी साड़ी का वो पल्लू भी सरकते हुए ज़मीन पे गिरी। और अध्याय भी बेहद खूबसूरत लग रही थी, बोल सकते तो काफ़ी हॉट भी लग रही थी। प्रणाली बस एक टक अध्याय को देख रही थी, लेकिन उसे देखने का मौका ठीक से नहीं मिलती है, क्योंकि अध्याय तुरंत प्रणाली के ऊपर आके उसे बेसब्री से और बेताब होके किस कर रही थी, तरस रही थी शायद उसकी लब प्रणाली की होठों के लिए, वही तड़प वो पूरी कर रही थी, प्रॉपर उसे बारीकियों के साथ किस कर रही थी। अपनी एक हाथ प्रणाली की हाथ को कस के पकड़ी हुई और दूसरी हाथ प्रणाली की नेक पे बस किस किए जा रही थी। प्रणाली भी प्रॉपर सपोर्ट कर रही थी, शायद इसी पल का बेसब्री से दोनों का इंतज़ार थी। दोनों ही उस आगोश में जाने के लिए प्रॉपर तैयार थे और अध्याय बस किस किए जा रही थी। प्रणाली को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो थोड़ी देर के लिए अध्याय से थोड़ी सी साइड होते होती आराम से, आराम से क्या कर क्या रही हो। लेकिन अध्याय तुरंत उसकी फेस से पकड़ती है, फिर से उसे किस करने लगती है। बात केवल किस तक ही नहीं थी, वो सीधा उसकी नेक साइड पे जाती है, वहाँ पे किस करते हुए उसकी पूरी हाथ, उसके जो हाथ थे वो पूरी जो प्रणाली की बॉडी पे वो चल फेर रहे थे, बोल सकते हो।
तरस रहे थे शायद, उसकी हाथ भी उसकी पूरी बॉडी को छूने के लिए वो फैला रहे थे अपने हाथों को प्रणाली की बॉडी पे, और धीरे धीरे एकदम से जो ब्लाउज होते हैं उसके हुक को खोल लेती है उसको किस करते हुए ही। प्रणाली भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी और जैसे कि अभी इस अध्या की इस कहर को सह नहीं पा रही है, वो एकदम से अध्या की उसी हाथ को कस के पकड़ती हो रही एक हाथ बेडशीट को। अध्या रोकती थोड़ी है, वो एकदम से उसकी ब्लाउज को प्रॉपर ओपन कर लेती है और ओपन करती ही वो सीधा उसके नेक साइड से होके अब थोड़ी सी नीचे आती है और वहाँ पे अपने प्यार के निशाने देने लगती है। प्रणाली को दर्द हो रही थी लेकिन वो दर्द को भी इंजॉय कर रही थी, उसे दर्द महसूस नहीं हो रही थी, उसे सिर्फ हत्या की एहसास महसूस हो रही थी, उस अपनी बॉडी पे अध्या को फील कर रही थी। वो हर एक जगह पे जहाँ जहाँ अध्या अपनी होठों से छू रही थी प्रणाली को, उसकी आंखें बंद थी और अध्या जैसी उसकी प्राह तक खोल लेती है उसकी चेस्ट साइड पे आती है, जम के प्यार बरसाती है, वहाँ पे सकिंग होती है, थोड़ी सी बाइट वगैरह भी होती है। जैसे वो बाइट करती है ना प्रणाली की आँखों से एक आंसू सरकते हुए गिरी जाती है लेकिन उसकी मुंह से एक उफ तक नहीं आती है। हाँ आती है केवल जो वो मधोशियत में जो आवाज़ निकल रही थी प्रणाली की मुंह से केवल वही आती है सिसकने की आवाज़, जिससे अध्या और ज़्यादा मधोश हो रही थी। वो आवाज़ है और प्रणाली की गहरी सांसें अध्या को और पागल कर रही थी। अध्या पूरी तरह से टूट पड़ती है और इसी दौरान प्रणाली भी अध्या के कुछ कपड़े ओपन कर लेती है और कुछ कुछ कपड़े एकदम से बेड के दूसरे साइड पे आ जाते हैं। बेड जो फ्लावर से प्रॉपर सजे हुए थे अब वो बिखर रहे थे, उन जो फूलों की पंखुड़ियों को दबोच रहे थे ये लोग, अब पूरी कसर उन पे हो रहे थे तो कुछ तो असर होगी। और फूलों की जो ताज़ी खुशबू होती है पूरे रूम की माहौल को चेंज कर दी, ये दोनों और मधोश होने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे और अब दोनों के कपड़े एक एक करके वो बेड साइड के नीचे आ ही जाते हैं। पहले तो अध्या पूरी तरह से तरसती है अपनी निगाहों से प्रणाली को, प्रणाली अपनी फेस में हाथ रख लेती होती कि बस भी करो, क्या कर रही हो, कितनी बार तो देख चुकी हो। अध्या तुरंत प्रणाली की ओर जाती है, उसकी हाथों में किस करती है, दोनों हाथ को अपने एक हाथ से लेकर बेडशीट के साइड पे पिलो के उस साइड पे वो ग्रैब कर लेती है और एकदम से प्रणाली की निचले वाली होंठ पे थोड़ी सी कट करती है बाइट। प्रणाली एकदम से सिसकती है कि अध्या, लेकिन वो अध्या नाम भी पूरी तरह से निकल नहीं पाती उसके लबों से क्योंकि अध्या की वार उसकी होठों पे हो चुकी थी। पता नहीं अध्या अलग ही जोश में थी, प्रणाली आज अध्या को हैंडल नहीं कर पा रही थी, काफ़ी शौक थी लेकिन ये वो वक्त नहीं थी कि वो कुछ समझे, समझने की सिचुएशन थी नहीं। अब उसके ऊपर जो कसर हो रही थी वो उसी से उसकी हालत बेहाल हो चुकी थी। वो कभी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है तो कभी अपनी पैर से अध्या की पैर को ग्रैब करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नाकाम होती है हर बार, क्योंकि एक के बाद एक अध्या की जो वार आ रही थी प्रणाली के ऊपर वो सहन करना थोड़ी बहुत तो मुश्किल थी। अध्या क्या करती है, उसकी हाथों को छोड़ती है, जैसे ही हाथों को छोड़ती है प्रणाली उसको प्रॉपर अपनी ओए में ग्रैब कर लेती, उसकी हाथ एक जो हाथों की नाखून थे वो अध्या की पीठ पे थाके खरोच रहे थे। अध्या की सिसकने की आवाज़ प्रणाली के कान में जाता है कि प्रणाली एकदम से अध्या की नेक साइड पे जाती है, एकदम से बाइट करती है लेकिन उस चीज़ से अध्या और ज़्यादा वो होता है ना एक्टिव हो जाती है, वो एकदम से प्रणाली को थोड़ी सी साइड में पुश करती है, एकदम से उसकी बैक साइड पर आती है और उसके जो बैक होते हैं नेक के वहाँ पे वो धीरे धीरे बाइट कर रही थी। ये वार प्रणाली के लिए बेहद मुश्किल थी सहन करना, वो एकदम से दोनों हाथ से बेडशीट को पकड़ रही थी, सिर्फ उसकी सिसकने की आवाज़ आ रहे थे। जो अध्या है वो रोक नहीं रही थी, वो
खुद को ना तो शांत कर पा रही थी और ना ही सोच पा रही थी कि वो कर क्या रही है। बस वो फ्लो के हिसाब से चल रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बैक साइड से होकर उसकी कमर साइड पे जाती है, वहाँ पे प्रेस करती है। जैसे प्रेस करती है, प्रणाली की एक आह निकलती है। हद्या फिर से उसे पलटती है, उसकी नेवल साइड पे कुछ देर तक बस देखती रहती है। देखने के बाद वो उसकी नेवल के साथ थोड़ी बहुत अपनी उंगलियों के साथ शरारती तो थी वो, थोड़ी बहुत जिसे बोलते हैं टीज़ करती है प्रणाली को। प्रणाली ये सहन नहीं कर पा रही थी, वो एकदम से उठती है, अध्याय की बालों से पकड़ती है और एकदम से उसकी होठों में किस करके बोलती है कि तरसाओ मत, करना है तो प्रॉपर करो, ये क्या टीज कर रही हो तुम, मेरी पूरी बड़ी बॉडी में आग लग चुकी है अध्याय, या तो शांत हो जाओ या तो फिर शांत करो, अगर तुम नहीं हो पा रहे तो मुझे करने दो। तो अध्याय होती है रिलैक्स, विवेक कर तो रही हूँ ना, तो पता कि क्या कर रही हो, मुझे टीज कर रही हो। तभी अध्याय एकदम से प्रणाली को फिर से धक्का देती है और इस बार फिर से वो फिर से नेक से शुरू करती है, नेक से शुरू होकर उसकी चेस्ट साइड पे। जैसे ही उसकी वो सॉफ्ट सी वार्म टंग उसकी नेक से छूते हुए, उसकी चेस्ट साइड को छूते हुए नेवल साइड की तरफ आ रही थी, प्रणाली की हालत बदतर से भी बदतर होते जा रही थी। बस सिसकने के अलावा और कुछ थी नहीं उसके पास करने के लिए। आखिर तक अध्या उसकी थोड़ी सी डाउन साइड पे जाती है, जो लोअर डेस होती है वो भी वो ओपन कर ही लेती है और बहुत सकिंग वगैरह के साथ वो प्रणाली की हालत ख़राब कर देती है। काफ़ी बार थका चुकी थी प्रणाली को, लेकिन अध्या थक ही नहीं रही थी। प्रणाली की सांसें इतनी गहरी हो चुकी थी कि वो अपनी ही हाथों को बाइट कर रही थी कि ये जो उसके ऊपर हो रही थी इसको थोड़ी सी वो शांत कर पाए। खुद को काट रही थी वो, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो रही है और अध्याय वो रुकने की नाम ही नहीं कर ले रही थी। काफ़ी बार थकने के बाद जैसे प्रणाली की पूरी कला सूख गई थी, वो एकदम से अपनी पूरी जोर लगा के अध्याय को थोड़ी साइड करती है और उसकी सांसें फूल चुकी थी, वो एकदम से उठी कि पप्पा नहीं। अध्याय एकदम से स्माइल करते हुए साइड से पानी की बोतल लाती है और प्रणाली की ओर देखती है। प्रणाली थोड़ी पानी पी तो लेती है, लेकिन उसकी सांसें इतनी फूल चुकी थी पानी तक ठीक से पिए नहीं जा रही थी उसे। जैसे तैसे वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है और अध्याय भरी ही नज़ाकत के साथ निहार रही थी प्रणाली को और ऐसा मानो कि अभी तक वो शांत नहीं हुई, उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई। प्रणाली पानी की बोतल साइड में रखते हुए अध्याय की नज़र को पढ़ लेती है और एकदम से होती कि क्या हो गई है तुम्हें आज, शांत हो जाओ। अध्याय बोलती कि जी नहीं भर रही है, मेरी क्या कसूर है, किसने कही थी इतनी खूबसूरत बन उठन के बैठने के लिए, अब मेरी क्या कसूर है। ये बोलते हुए प्रणाली के ऊपर फिर से अपनी मोहब्बत की पूरा बरसात बरसा देती है। जैसी जब जाके अध्याय थकती है तभी तो प्रणाली अपनी एक्टिव मूड ऑन करती है। वैसे वो एक्टिव तो कब से थी, लेकिन अध्याय की कसर कम थोड़ी ना हो रही थी कि वो कुछ करे। लेकिन जैसे ही अध्याय थोड़ी सी थकती है तो प्रणाली उसके ऊपर आती है और बोलती है कि जैसे मेरे ऊपर कर बरसाई हो ना सारी चीज़ आप खुद सा हो। और वैसी ही हर एक चीज़ें जो अध्याय करी है प्रणाली के साथ, जितनी बेरहमी से उसने प्रणाली को हर एक तो दर्द थी दी थी, ये जो दर्द है ये मोहब्बत की तैर पे ही शामिल होते हैं, वही दर्द वापस अध्याय को दिए जा रही थी। हाँ अध्याय प्रणाली की तरह इतनी ज़ोर से सिसक नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही प्रणाली आगे बढ़ रही थी अब अध्याय की हालत ख़राब हो रही थी और अध्याय की मुँह से मतलब डायरेक्ट चीख निकल के आ रही थी। तो प्रणाली एकदम से उसकी मुँह में हाथ रखते रोती कि पूरे मोहल्ले को जगाना नहीं है अध्याय, क्या कर रही हो, देखिए आप भी तो आराम से कर सकते हो। अच्छा तुमने की ही आराम से, तुमने की ही, रुकी भी हो तुमने 2 घंटे से। तो कहते होती कि तुम्हें मेरी क्या गलती है इसमें,
प्रणाली बोलती है कि अच्छा शट अप ओके, और ये बोलते हुए वो अध्या को किस करने लगती है उसी बारीकियों के साथ, उसी वाइल्ड के साथ, उसी पैशनेट वे में वो अध्या को प्यार करती है। दोनों की जो अब ये जो माहौल हुई थी रोमांस की चीज़ें, ये अपनी हद तक पहुंच जाती है। अंत सिचुएशन जैसे होते हैं, ये दोनों प्रॉपर एक दूसरे की जो दो जिस्म एक जहाँ बोले जाते हैं, ये प्रॉपर हकीकत में जैसे ही ये दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, तब दोनों ही थक के, जो अध्या थी वो पूरी तरह से थक चुकी थी, पहले तो सारी कसर करी थी, बाद में प्रणाली की जो पलटवार आई थी वो सहन करना अध्या के लिए थोड़ी सी टफ थी, पर वो थक गई थी बहुत ज़्यादा, प्रणाली से भी ज़्यादा अध्या थक गई थी। बाद में प्रणाली देखती है और वो हंस पड़ती है, अध्या एकदम से अपनी फेस को बेडशीट से कवर कर लेते हो, ये तो हद ही हो गई, मतलब मेरी मजाक उड़ा रही हो आप। प्रणाली आहिस्ता से वो बेडशीट को उसकी फेस से हटाते हैं, बोलती है आप क्यों शर्मा रही हो, हाँ कुछ बचा है भी है, कुछ बचा के रखी भी हो तुमने, मैंने तो वो सारी चीज़ की नहीं जो तुमने की, अगर वो करती तभी अध्या एकदम से प्रणाली की होठ में अपनी होठ रखते उसे किस करते, बोलती कि बस कीजिए। प्रणाली हंसती है थोड़ी बहुत, ये लोग किस कर रहे थे, अब जो थकान थी ना अब वो किसके दौरान, ये दो लोग वो चीज़ को जो है हटा रही थी धीरे धीरे, थोड़ी बहुत लगभग 2 बजे ये लोग कमरे में गए थे, 5 बजे तक ये लोग रोमांस की आगोश में पूरे डूबे हुए थे, और 5:30 तक जैसी ही प्रणाली अध्या को हक करके सोई थी कि तभी दरवाजे पे एकदम से नॉक होती है। अध्या तो बस अपनी आंखें बंद करी थी, बस सोएगी अभी, पूरी नींद के आगोश में जाने वाले थे कि तभी दरवाजे पे नॉक। अध्या अपनी छोटी छोटी आंखें थोड़ी सी ओपन करते प्रणाली की ओर देखते होते कि क्या है ये, प्रणाली बोलती कि मुझे क्या पता, अब क्या करूँ, उठनी पड़ेगी, मैं इस हालत में नहीं उठ सकती। प्रणाली बोलती कि बेबी मैं भी नहीं उठ सकती, पर उठना तो पड़ेगी। तभी एकदम से प्रणाली की मम्मी चिल्लाती है कि प्रणाली बेटा वो उठ जाओ, हमें मंदिर भी जानी है, जल्दी उठो, गुरुजी उठ गए हैं बस बुला रहे हैं। तभी प्रणाली फटाक से उठ के बैठ जाती है और उसे याद आती है कि हाँ जाते वक्त प्रणाली की मम्मी ने ये बोली थी। प्रणाली एकदम से अपने सर पे हाथ रखते होती कि शिट मैं भूल गई। अध्या लाचारी वाली नज़रों से प्रणाली की ओर देखते होती डोंट टेल मी कि हमें उठनी पड़ेगी, अरे हम तो सोए नहीं थे। प्रणाली बोलती कि बेबी कुछ नहीं कर सकते, प्लीज़ उठो प्लीज़। लेकिन अध्या पूरी तरह से थकने के कारण वो एकदम से अपनी फेस दूसरी तरफ करके बोलती कि आप जाओ मुझे नहीं जाने। प्रणाली एकदम से चिल्ला के बोलती है मम्मी उठ गई हूँ मैं आ रही हूँ बस कुछ देर दीजिए। तभी वो बोलती कि मैं नीचे इंतज़ार कर रही हूँ जल्दी से आ जाओ, और हाँ अध्या को भी, बोलती कि हाँ हाँ मम्मी वो उठ रहे हैं, मैं बुला रही हूँ उसको। तो प्रणाली की मम्मी वहाँ से चले जाते हैं। इधर अध्या पूरी तरह से थकने के कारण वो सो गई थी। प्रणाली कई बार आवाज़ लगाती थी कि अध्या उठो ना प्लीज़ ना, अध्या बोलती कि मुझे सोनी है, एक तो ना मैं कल से सो ही नहीं हूँ, अरे प्लीज़ ना आप मुझे सोने दीजिए। तभी प्रणाली बोलती कि बेबी प्लीज़ मम्मी आके बुलाइए तो कुछ तो सोचो, प्लीज़ उठो ना, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ उठ जाओ, आई लव यू प्लीज़। अध्या बोलती कि आज के दिन मतलब हमें कुछ देर तो देते, 2 बजे तो सारी चीज़ें ख़त्म हुए थे, तो बोलती कि हाँ तो क्या कर सकते आप इसमें उठो ना। जैसे तैसे प्रणाली आधे घंटे लगा देती है अध्या को उठाने में, लेकिन उठ जाते हैं और इतनी देर हो चुकी थी, दोनों ही इकट्ठे वॉशरूम भागते हैं और थोड़ी बहुत लवी डवी मोमेंट्स तो वहाँ पे भी होती है। लेकिन जल्दबाजी ज़रूर करती है क्योंकि प्रणाली की मम्मी के बाद समीक्षा भी गई थी बुलाने के लिए, और समीक्षा की अंदाज़ थोड़ी सी छेड़ने की मूड पर थी कि अरे जल्दी करो दोनों, कौन सी कसर रह गई अब जल्दी करो। तो जो प्रणाली थी वो बोलती है आ रहे भाभी क्या है, हाँ हाँ जल्दी आओ सब इंतज़ार कर रहे। तो तब तक 6 बज चुके थे और ये दोनों फ्रेश वगैरह होके जो इनके लिए कपड़े दिए गए थे प्रणाली के लिए, बहुत ही प्यारी सी साड़ी जो कि थे ब्लैक और रेड में कन्वेंट थी, बहुत ही खूबसूरत थे,
और अध्याय के लिए सूट थी जो ट्रेडिशनल सूट थे पर अच्छे थे, और वो भी थोड़ी सी वाइट और रेड में जो है कन्वर्ट थे। बेहद खूबसूरत लग रहे थे दोनों। जैसे ही रेडी होती है तो प्राणाली ने ना सिंदूर पहनी थी ना मंगलसूत्र, क्योंकि रात को ये सारी चीज़ उतार के सोई थी, क्योंकि पता थी कसर होने में कहीं इन सारी चीज़ों पे बात ना आए। तो जैसे ही साड़ी पहन लेती तो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अध्याय देख के बोलती कि वह इस हालत में कैसे कोई कैसे छोड़ सकता है आपको, देखिए ही मुझ पर, मतलब क्या बोलूँ मैं। तो प्रणाली बोलती कि फिर भी तुम्हारी सारी चीज़ को बाद में पूरी कर देंगे, पहले ही ये सोचो गुरुजी इंतज़ार कर रहे हैं, हमें मंदिर जानी है, प्लीज़ थोड़ी सीरियस हो जाओ प्लीज़। तभी अध्याय बोलती कि चलो ठीक है। अध्याय क्या करती है, प्रणाली की मांग में सिंदूर भरती है, वो मंगलसूत्र फिर से पहना देती है, सेम प्रणाली भी करती है, और वो भी फिर दोनों एक दूसरे की हाथ पकड़ते हैं, कमरे से जैसे ही निकलते हैं, हाय सब अपनी निगाहें भर के इन दोनों को देख रहे थे। कुछ तो बात अलग थे कि इनकी खूबसूरती इनकी चेहरे से साफ झलक रहे थे, दोनों ही चमक रहे थे बेहद खूबसूरत अंदाज से। सब इनको देख के ही बलाइयाँ लेती है, सिमी मानसी इधर जो पल्लवी थी, कुहू ये तो बेहद खुश था और एकदम से पूछती कि हाय कितनी खूबसूरत लग रही है, और इनके नेक पे कई सारे निशान थे और ये लोग बस कवर कर रहे थे कि जो ज्वेलरी पहनी थी हमने इनका असर है, थोड़ी सी रैश वगैरह आ गए थे। अब समझने वाले तो समझ गए, और इसी बात के पूरे रास्ते भर इनको छेड़ दिया, और ये लोग लगभग बिना कुछ खाए पिए ये लोग जो मंदिर होते हैं वहाँ के लिए पहुँच जाते हैं। मंदिर जाते हैं, वहाँ पे कुछ पूजा वगैरह होते हैं इनके, और पूजा करने के बाद ये लोग वापस घर आते हैं। घर आते ही अब फिर से छेड़ना वगैरह शुरू हो जाते, तो अध्याय बोलती कि अरे छेड़ना बंद कीजिए, वो इतनी भारी भारी ज्वेलरी थी। तभी एकदम से जो मानसी थी बोलती कि अध्याय इतनी भी ना समझ है आप, हम कोई में से कोई है नहीं, हाँ इतनी तो समझ आती है हमें। चलो अच्छा समझ आ गई कि नेक पे थी, पर इस साइड पे ज़रा देखो नेक की, तो मतलब जॉलाइन से थोड़ी सी साइड में, यहाँ पे कौन से नेकलेस पहनी गई थी, प्रणाली ने तो कोई नेकलेस पहने, मतलब तुमने काटा किस हद तक काटा। तो अध्याय होती कि बस भी करो, अध्याय वहाँ से उठ के चुपचाप से चली जाती है। सब बहुत हंसते हैं, और वहाँ पे जो प्रणाली थी उसको कुछ कुछ चीज़ें थी, उसके मम्मी ने बोली थी कि आज तुम्हारी वो शादी के बाद पहली दिन है, तो तुम कुछ चाहो तो बना सकते हो, तुम्हारी सास ससुर है तो उनके लिए। तो भी प्रणाली बोलती है ठीक है, तो प्रणाली वहाँ पर जाती है और खीर बनाती है। प्रणाली खीर बेहद अच्छी बनाती है, जैसी खीर बना के लाती है सबको परोसती है तो सब खाते हैं, बहुत टेस्टी थी। उसी दौरान जो अध्याय की मॉम थी वो बेहद खुश थी, और वो एकदम से प्रणाली को, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में दो चूड़ियाँ पहनी थी, वही चूड़ियाँ थी जो एक बार अध्याय की पापा के ऑपरेशन में बेच दी गई थी, जो अध्याय ने वापस वो छुड़ा लिए थे, वही वो वापस लाई थी। और दोनों हाथ में से वो एक हाथ से चूड़ियाँ वो एकदम से उतार के प्रणाली को पहना देती है। प्रणाली बहुत खुश थी, अध्याय भी। आज स्टोरी यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट गाइज़।